मुंबई ने की डॉट आर्ट कलाकार गायत्री से खास मुलाकात, जिन्होंने डॉट आर्ट के माध्यम से की है कई सारी कलाकारियां। गायत्री बोली, चाहो तो वह सब कुछ कर सकते हैं हासिल। जम्मू में आज सुबह हुई मूसलाधार बारिश से तापमान में आई थोड़ी गिरावट। मौसम विभाग के मुताबिक 8 जुलाई तक रुक रुक कर होती रहेगी बारिश। महबूब मुफ्ती बोली, बेघरों को जमीन देने के बहाने जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने की साजिश। महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बेघरों लोगों को जमीन देने के बहाने यहां की डेमोग्राफी को बदलने की साजिश रची जा रही है। जम्मू कश्मीर में कल होगी प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मांग वाली याचिका पर सुनवाई। जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रणाली की बहाली के लिए जल्द विधानसभा चुनाव की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में वीरवार को सुनवाई होगी। पूर्व मंत्री हरदेव सिंह ने ये याचिका दर्ज कर शीर्ष अदालत का रुख किया था ताकि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली हो। प्रदेश में दौड़ेंगी मोबाइल ऐप आधारित टैक्सी वाहन, सफर करना होगा आसान और किफायती। जम्मू कश्मीर की सड़कों पर पहली बार आपको ओला ओबर जैसी मोबाइल ऐप आधारित गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आएंगी। यूटी प्रशासन ने वेबसाइट टैक्सी वाहनों को चलाने की अनुमति प्रदान की है। प्रशासन ने आम लोगों की राय जानने के लिए फाइनल नोटिफिकेशन मंगलवार को जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर में प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख पर्यटक आते हैं। व्यावसायिक गाड़ियां चलने से सैलानियों को बड़ी राहत मिलेगी। किश्तवाड़ में एसआईयू का छापा, पाक में छिपे आतंकियों के घरों पर दी गई दबिश। किश्तवाड़ पुलिस की विशेष जांच यूनिट ने बुधवार को जिले में 6 अलग अलग जगहों पर छापा मारा। यूनिट की टीमों ने पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के घरों को भी खंगाला। छात्र के सुझाव में स्कूलों और शिक्षकों को रेटिंग देने वाला पहला राज्य होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर छात्र और अभिभावकों के सुझाव से अब स्कूल और शिक्षकों को रेटिंग देने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है जम्मू कश्मीर। सरकार अगस्त महीने से स्कूल और शिक्षकों की पहली रेटिंग लिस्ट जारी करेगी। पेट्रोल से महंगा हुआ टमाटर, हरी मिर्च 500 तक पहुंची। देश में कई हिस्सों में टमाटर 150 और 180 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। टमाटर के अलावा भी कई सब्जियां जिनकी कीमतें अधिक है। इसी बीच केंद्र सरकार का कहना है कि टमाटर की कीमत में वृद्धि एक मौसमी घटना है। इस समय आमतौर पर कीमतें अधिक होती हैं और वे अगले 15 दिनों में कम हो जाएंगी।